हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थेवेनिन थ्योरम के एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं, जो कि ये न्यूमेरिकल्स के माध्यम से आप सभी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो आपको इस वीडियो को क्लियर लास्ट तक देखना है। तो और आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने थेवेनिन थ्योरम अर्थात पार्ट 7 जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चल रहा है, उसमें हमने थेवेनिन थ्योरम आपको बताया है कि कैसे उसको आपको पढ़ना, मतलब उसमें क्या डिटेल्स दिया गया, पहले रेजिस्टेंस करंट या थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उसमें हमने सभी डिटेल्स, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये सभी डिटेल्स हमने पार्ट 7 में आपको थेवेनिन थ्योरम का सब कुछ उसमें संपूर्ण बताया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके प्ले लिस्ट का, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जाकर आप सभी स्टेप बाई स्टेप देख सकते हैं। यह सभी स्टेप हमने आपको डिटेल्स में बताया है, ठीक है। तो यहां पर दोस्त आइए हम इस न्यूमेरिकल्स, अगर आपने पार्ट 7 को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, ये न्यूमेरिकल्स आपका थेवेनिन थ्योरम के आधार पर, देखिए क्वेश्चंस आपको ये दिया गया है, देख लीजिए क्वेश्चंस आपको यहां पर इस प्रकार ये दिया गया है, ओके। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि एक रजिस्टेंस 5 ओम का लगा हुआ है, यहां पर 12 ओम का लगा हुआ है, यहां लोड रजिस्टेंस RL 15 ओम अर्थात 15 ओम का लगा हुआ है, और एक यहां पर बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध अर्थात इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ओके। तो यहां पर इतना आपको ये सर्किट यहां पर दिया गया है। अब आपसे दोस्त यहां पर ये सब क्वेश्चंस किए गए हैं कि थेवेनिन थ्योरम की सहायता से ज्ञात करें। पहला आपसे पूछा गया है VTH, आप ज्ञात कीजिए। VTH दोस्त आपको पता होगा, अगर आपने पार्ट 7 देखा होगा या आपने पढ़ा होगा, तो ये VTH जो होता है आपका क्या होता है, इसे कहने थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थेवेनिन वोल्टेज। तो C और D आपको कहां दिख रहा है? ये C है और ये आपका D है, ठीक है। तो C और डी के अक्रॉस आपको क्या करना है, इसके अक्रॉस आपको ज्ञात करना है VTH अर्थात थेवेनिन वोल्टेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CD के अक्रॉस तुल्य रेजिस्टेंस अर्थात आपको RTH ज्ञात करना है। क्या? RTH। तो इसमें आपको दो चीज निकालना होता है, एक VTH, एक RTH, और एक निकालना होता है। आप जब दोनों को निकाल लेंगे तो आपको लोड रेजिस्टेंस में धारा अर्थात कैपिटल I आपको निकालना होता है, और लोड रेजिस्टेंस हमने जस्ट अभी बताया, ये आपका है लोड रेजिस्टेंस जिसे RL 15 ओम का है, इसी में आपको टोटल करंट I निकालना है, ओके। यहां पर इतना चीज आपको निकालना है, ये तीन आपको क्वेश्चन ये दिए गए हैं। अब आइए शुरू करते हैं दोस्तों, और एक एक स्टेप वाइज आपको हम बताते हैं। अगर आपने 7 वीडियो जो हमने पार्ट 7 है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिन्हें हमें थ्योरी जो आपका थेवेनिन थ्योरम है उसको हमने डिटेल्स में आपको थ्योरी से रिलेटेड और स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, और अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है दोस्त। अब फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जब आपको इस प्रकार का ये सर्किट जब दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप थेवेनिन थ्योरम से करिए, तो फर्स्ट स्टेप इसका होता है सर्वप्रथम RL को अस्थायी रूप से हटाइए। एक मिनट रुकिएगा दोस्त, अब आपको पहले अपने दिमाग में ये चीज बना लेना है कि आप थेवेनिन थ्योरम के आधार पर क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि आपका थेवेनिन थ्योरम ही नहीं है, आपका सुपरपोजिशन थ्योरम भी है, नॉर्टन थ्योरम भी है, मैक्सिमा का एक थ्योरम है, तो इन सभी जो थ्योरम है सभी में आप जब सब पढ़ लेंगे तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो जब क्वेश्चंस को लगे तो आप अपने दिमाग में एक स्टेप बनाएं, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप से आपको बताऊंगा, तो आपको क्या करना है कि अपने दिमाग में एक बनाना है कि मैं ये थेवेनिन थ्योरम के आधार पर कर रहा हूं, ठीक है। पहला स्टेप कैसे क्या किया जाता है, दूसरा, अगर ऐसे याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं आप गलती जरूर कर जाएंगे, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो दोस्त, हम पहला स्टेप यहां सर्वप्रथम RL को अस्थायी रूप से हटाते हैं। RL बोले तो आपका क्या, लोड रेजिस्टेंस। तो सिंपली यहां से क्या करते हैं, इस सर्किट से इसको हटा देंगे, और आपको पता है दोस्त, यहां से जैसे इसको हटाएंगे तो ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। जब दोस्त सिंपल सा है, यहां पर सब कोई सर्किट नहीं रहेगा, तो ये सर्किट सी और डी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो इसे आप कहेंगे ओपन सर्किट। अब देखिए, जब आपको इसको सी और डी से आप हटा देंगे लोड रेजिस्टेंस, तो इस प्रकार आपको ये सर्किट दिखेगी। इस प्रकार देखिए, आपका 12 ओम की बैटरी उसी प्रकार लगा है, 5 ओम का रेजिस्टेंस ये और 12 ओम का रेजिस्टेंस, बस यही क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, ओपन सर्किट हो गया आपका ये CD। अब देखिए, अब इसको करने के बाद सेकंड स्टेप, पहला स्टेप दोस्त क्या है, RL रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस को आपको हटाना है। सेकंड स्टेप में मतलब आपको जो फर्स्ट स्टेप है उसी स्टेप में हटाने के बाद जो आपको सर्किट प्राप्त होगा, ये सर्किट आपको प्राप्त हुआ। अब सर्किट जब
प्राप्त हो जाएगा। तो इस सर्किट के आधार पर आपको निकालना है करंट। करंट क्या होगा? टोटल आई करंट जो ओपन सर्किट, ये तो आपका ओपन हो जाएगा दोस्त, इसमें कोई करंट इधर फ्लो नहीं होगी। अब आपकी जो करंट होगी इस बैटरी के द्वारा जो आप सप्लाई दे रहे हैं इसी में फ्लो होगी। ओके, यहां पर आगे आपका नहीं जाएगी। तो जो सप्लाई से द्वारा दी गई जो करंट फ्लो हो रही वही आपको, बैटरी कितनी करंट दे रही वही आपको कैपिटल आई निकालना है। तो उसके पहले आपको यहां पर ध्यान दीजिए, आपको रेजिस्टेंस ये जो दिए गए हैं इनको ऐड करना होगा। अब आपको यहां पता होना चाहिए ये जो दिए गए हैं सीरीज में है या पैरेलल में है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जब ये आपका सभी ये ओपन हो जाएंगे तो ये इसकी काम खत्म, मतलब ये इसका कोई मतलब यहां पर नहीं है। तो जो आपका सर्किट बचेगा वही इतना ही आपका बचेगा, ठीक है। तो ये 5 ओम और ये 12 ओम दोनों क्या है? सीरीज में है। ध्यान से देखिए, 5 ओम और ये 12 ओम क्या होंगे? सीरीज में होंगे। और जब इधर से आप आएंगे तो 1 ओम भी क्या होगा? सीरीज। अर्थात ऐसा आप गोलाई के साथ चलेंगे तो यहां पर वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में घूमते हैं तो आप देखेंगे तो 5 ओम, 12 ओम और 1 ओम जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, तीनों आपके सीरीज हैं, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में है तो जब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सभी क्या हो जाएंगे? 5 ओम, 12 ओम और 1 ओम सभी इस प्रकार ऐड हो जाएंगे, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो आपका आई बराबर दोस्त, आपको पता है आई बराबर वी बाई क्या होता है? आर। आपको हमने ओम्स लॉ बताया है कि जो आपका होता है वी अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसे आप आर रेजिस्टेंस कहते हैं, तो आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, जो कि यहां पर आपको फार्मूला दिख रहा है। आई इक्वल टू वी बाई आर, वी की मान कितना है? 12 ओम की बैटरी, जो हमने 12 ऊपर लिखा, और आई का मतलब, आर का मतलब है आपका, हमने बताया सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सिंपली आपको 1 + 5 + 12 और फिर आपको आई इक्वल आ जाएगा 12/18। क्यों दोस्त? 5 + 5 + 12 = 17 और +1 = 18, तो 5/18। और इसको फिर आप 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 से ये 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा 2/3। तो सिंपली आपने देखा कि आई जो करंट है अब आपकी इसमें कितनी फ्लो हो रही है, वो 2/3 एम्पियर है, 2/3 एम्पियर आपकी आ रही है। तो आपको हमने पहला स्टेप दोस्त, ये देखिए वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा लंबा लगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को डीपली से समझ लेंगे थेवेनिन थ्योरम का तो सभी क्वेश्चन को आसानी से, मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन दोस्त बिल्कुल ना रटें, न्यूमेरिकल्स में यही होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो थेवेनिन थ्योरम हो या नॉर्टन थ्योरम हो या सुपर पोजिशन थ्योरम, कोई भी थ्योरम के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकेंगे। मैं ये बात आपसे करता हूं कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं और समझते हैं, मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट समझना। ओके, तो यहां पर दोस्त हमने आपको बताया पहला स्टेप है आपको आरएल रेजिस्टेंस हटाना। जैसे ही आप यहां पर से आरएल रेजिस्टेंस को ओपन करते हैं, जैसे ही हटाएंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, इसमें से टोटल, जैसे ही ओपन सर्किट बचेगा तो इसमें से आपको रेजिस्टेंस जो है उसको ऐड कर लेना है, क्योंकि ये सभी यहां पर सीरीज में है। तो इस प्रकार ये सभी क्या हो जाएंगे? सीरीज कनेक्शन में। आपको जानते हैं दोस्तों सीरीज में आपको हमने सब कुछ ये सभी पॉइंट्स हमने बताया है। सीरीज में आपका क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होता है? R1 + R2 + R3 .Rn, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सभी इस प्रकार। अगर आपका पैरेलल में होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn, जितने भी आपके रेजिस्टेंस होंगे सभी ऐड हो जाएंगे। ओके, यहां पर आपको इतना तो ध्यान आपको पता ही होगा। ओके, अगला यहां पर हमने बताया कि आपको आर रेजिस्टेंस आने के बाद यहां पर से आपको करंट निकालना होता है। तो करंट आप वी बाई आर जानते हैं, तो 12/18 करेंगे, 2/3 एम्पियर आ जाएगा। आशा करते हैं यहां तक आप कंप्लीट हो गए होंगे। अब सेकंड स्टेप से पहले आपको यहां पर एक और चीज प्रोसेस करना होगा, वो क्या है कि करंट निकालने के बाद आप सीडी के अक्रॉस क्या निकालेंगे? वोल्टेज निकालेंगे। सीडी के अक्रॉस मतलब जो आपने ओपन किया भी, सीडी कहां है दोस्त? सीडी ये है आपका, ये सीओडी है, इसी के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। क्यों इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा? सिंपल सी बात है दोस्त, पैरेलल में जो वोल्टेज होता है सेम होता है, तो जो सीडी के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही आपका बी और एफ के बीच, यहां पर एफ बी या बी एफ, यहां के जो आपका 12 ओम दिख रहा है इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज आएगा वही, जो वोल्टेज ड्रॉप आपका 12 ओम के अक्रॉस होगा वही सेम इसके अक्रॉस होगा। ओके, इतना आपको यहां पर समझना है। तो सिंपल सी बात है दोस्त, यहां जब आप सीडी के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो वो आपका क्या होगा? वीटीएच होगा, वही आपका थेवेनिन वोल्टेज होगा। यहां से जो आप लोड रेजिस्टेंस को ओपन किए थे, यहां से जो आप वोल्टेज निकालेंगे वही आपका थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहां पर आपको निकालना है वीटीएच, तो 2/3 आपका क्या है?
आप जानते हैं v बराबर क्या जानते हैं दोस्तों, v बराबर i into r, i का मान आपने कितना निकाला 2 by 3, r का मान कितना है 12 ओम। अब आप कहेंगे 12 ओम हमने क्यों लिया, ध्यान से देखिए ये है आपका 12 ओम, हमने बताया जो 12 ओम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही तो cd के अक्रॉस, और आप जानते हैं दोस्तों पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, ये तो 12 ओम की बैटरी आपके लिए इससे कोई मतलब है नहीं, इससे आपका मतलब है कि यहां पर जो cd का वोल्टेज वही होगा जो आपका 12 ओम का वोल्टेज होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो सिंपली हम इसी का जब आप निकाल लेंगे वोल्टेज तो वही वोल्टेज आपका क्या होगा थेवेनिन वोल्टेज होगा जो कि सीडी के अक्रॉस होगा। ओके तो सिंपल हम क्या करते हैं दोस्त, यहां वीटीएच आप लिखेंगे V इक्वल टू आई इंटू आर, और आई का मान हमने अभी जस्ट बताया आपको क्या निकाला था 2 by 3, उसको हम लिखेंगे, और 12 आपने लिखा यहां से कहां से दोस्त, ये लिखा आपका 12 ओम का ये लगा है तो ये 12 ओम हो जाएगा, तो सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वोल्ट आ जाएगा, तो आपको एक चीज मिल गया VTH। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पर सॉल्व होता हुआ, पहला आपने क्या पूछा था, आपने यही पूछा था पहला कि VTH CD के अक्रॉस मतलब CD के मध्य कितना आपका VTH होगा, तो ये चीज आपने निकाल लिया। अब आप निकालेंगे दूसरा CD के अक्रॉस तुल्य प्रतिरोध, तो पहला आपने निकाला VTH, कैसे निकाला आप दोस्त इसको समझ लीजिएगा, हमने आपको सभी स्टेप बताए। देखिए अब आपको क्या करना है सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में आपने यहां पर क्या निकाल लिया दोस्त, पहले स्टेप में आपने VTH को प्राप्त कर लिया 8 वोल्ट, सेकंड स्टेप में हम आपको रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखिए क्या होता है कि सेकंड स्टेप आप सेल को अस्थाई रूप से हटा देते हैं, पहले स्टेप में हमने क्या किया लोड रेजिस्टेंस को हटाया, ध्यान से समझ लीजिए दोस्त, लोड रेजिस्टेंस को पहले स्टेप में हटाना है जिससे आपको VTH इसी के CD के क्रॉस मिल जाएगा, जो आपका 12 ओम के यहां पर अक्रॉस वोल्टेज होगा वही CD के क्रॉस, तो यहां पर तो आपने वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज निकाला, अब आपको प्राप्त करना है थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा बैटरी को हटा देना है, जब बैटरी या सेल को हटाएंगे तो यहां पर क्या होगा, देखिए जब बैटरी या सेल को हटाते हैं तो सिंपली ये आपका क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है यहां पर जो आपका 1 ओम का क्या होगा, 1 ओम का जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है इंटरनल रेजिस्टेंस है वो रहेगा लेकिन बैटरी आपकी नहीं रहेगी और ये आपका ओपन सर्किट रहेगा। देखिए आप देख लीजिए, देख लीजिए हो गया दोस्त, यहां पर देख लीजिए ये क्या है ओपन सर्किट जैसे कि आपने किया था, यहां पर आपको क्या करना है अस्थाई रूप से सेल को हटाना है, तो सेल को हमने हटा दिया लेकिन उसका आंतरिक प्रतिरोध यहां पर रहेगा, उससे रेजिस्टेंस उसका यहां पर जुड़ेगा, तो सिंपली आपका 1 ओम हो गया 5 ओम और 12 ओम, इस प्रकार आपको यह दिया गया। अब आपको यहां पर सिंपल रेजिस्टेंस निकाल लेना है, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है अब आपका यहां पर ये दोस्त पैरेलल में हो गया, अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, अब कैसे ये पैरेलल में हो गया इसको समझिए, देखिए ये दोनों तो सीरीज में हैं, 5 ओम और 1 ओम दोनों सीरीज में हैं, लेकिन यहां पर 12 ओम आपका जब ये 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 5 और 6 मतलब 6 और 12 ये दोनों क्या होंगे पैरेलल, ये दोनों आप ऐड करेंगे सीरीज में होगा और ये अलग हुआ, तो मगर मतलब कि आपका कुल मिलाकर ये हो जाएगा 6 ओम और ये 12 ओम, ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में, तो सिंपली है जब आप RTH निकालेंगे मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे तो थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्वल टू कुल मिलाकर ध्यान से समझिए जो इसका रेजिस्टेंस निकलेगा वही थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। ओके फिर से समझ लीजिए दोस्त, यहां पर CD के अक्रॉस का मतलब वही है कि जो इसका आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वही CD के अक्रॉस आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा, तो सिंपली आपका 1/RTH होगा 1/12 प्लस 1/6 आपने क्यों किया, ये आपके दोनों पैरेलल में होंगे, तो सिंपली इसको करने के बाद नीचे आप लेंगे LCM, जैसे नीचे लेंगे तो आपका ऊपर बचेगा 1 और प्लस 2 बचेगा। ओके और इसके बाद आपका सिंपली ये हो जाएगा दोस्त यहां पर 3/12 और इसको 3 से काटेंगे तो 1/4 बचेगा, यहां पर 1/4 बचेगा, 1/4 बचेगा लेकिन यहां पर आपको दिया है 1/RTH तो RTH इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम, तो आपने देखा यहां पर कैसे निकाला आपको अस्थाई रूप से सेल को हटाना है और सेल को हटाने के जस्ट बाद जो आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है रेजिस्टेंस आप सर्किट को समझकर पैरेलल कौन है सीरीज कौन है इसको देखकर आपको सॉल्व करना है और जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। तो आपने VTH निकाल लिया RTH निकाल लिया दोनों क्वेश्चन सॉल्व, अब लास्ट आपका आता है RL के अक्रॉस आपको निकालना क्या है, RL के अक्रॉस आपको निकालना है धारा अर्थात लोड रेजिस्टेंस में धारा करंट कितनी है RL में, ये आपको प्राप्त करना है। तो आइए चलते हैं उसको भी यहां पर निकाल देते हैं। थर्ड स्टेप दोस्त ये आता है आपको क्या करंट निकालना, तो इसका फार्मूला होता है दोस्त आपका V, जो आपका फार्मूला होता है इसको ध्यान समझिएगा, फार्मूला होता है IL मतलब
आपकी क्या होगा लोड करंट IL इक्वल टू VTH अपान RL प्लस RTH। अब आप समझिएगा, आप सिंपल ऐसा जानते हैं I इक्वल टू V बाई R होता है, यहां पर आपका IL का मतलब है लोड करंट और वो उसमें वोल्टेज होगा VTH जो कि आपने निकाला, अपान रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में आपके दो रेजिस्टेंस होंगे, एक RL होगा एक RTH होगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एक लोड रेजिस्टेंस होगा जो कि आपको दिया गया है, एक आप जो निकाले हैं RTH मतलब आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये दोनों आपके सीरीज में क्या होंगे ऐड होंगे। अब आप देख लीजिए सीरीज में है या पैरेलल में, देख लीजिए दोस्त ये 4 ओम का है, ये आपका 15 ओम का है, ये क्या है 4 ओम, ये आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस है जो कि आपने यहां पर निकाला, उसी को हमने यहां पर सर्किट को आपको लास्ट में क्या इस फॉर्म में लिखना है। ओके मतलब कुल मिलाकर आपने 8 वोल्ट की बैटरी यहां पर, 8 वोल्ट की बैटरी क्यों लगाई दोस्त, अभी तो आपका वहां पर आपने देखा था कि आपकी जो बैटरी लगी हुई थी वो कितने वोल्ट की थी, वो 12 वोल्ट की थी, लेकिन अब जो आपका वोल्टेज मतलब जो आपने VTH निकाला RTH निकाला उसके आधार पर अब आप सर्किट बनाएंगे, तो आपने कितना निकाला था आप ध्यान से देख लीजिए, आपने थेवेनिन जो वोल्टेज निकाला था 8 वोल्ट निकाला था, तो सिंपली आप समझ लीजिए कि जो आपका वोल्टेज होगा वो 8 वोल्ट हो गया और थेवेनिन रेजिस्टेंस आपने 4 ओम निकाला तो 4 ओम हो गया और आपका 15 ओम क्या होगा लोड रेजिस्टेंस हो गया। इतना करने के बाद अब आपको क्या निकालना IL, IL अर्थात लोड के अक्रॉस करंट, तो सिंपली आपको हो जाएगा IL इक्वल टू VTH अपॉन RL प्लस RTH, तो IL आपका हो गया, यहां पर आपका कितना हो जाएगा सिंपली यहां पर आपका उतना हो जाएगा दोस्त कितना IL इक्वल टू 8 अपॉन 15 प्लस 4 क्यों किया गया, ये आपका हो गया 15 ओम रेजिस्टेंस, ये होगा 4, ये कितना दोस्त यहां पर 4 ओम ये रेजिस्टेंस दिया गया है, तो यहां 15 प्लस 4 ये दोनों हो जाएंगे ऐड, जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा नीचे 19, अर्थात यहां पर 8 अपॉन 19 होगा और ध्यान से समझिएगा जब आप 8 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका दशमलव में आंसर आएगा, अर्थात IL का मान आएगा 0.421 एंपियर, कितना 0.421 एंपियर, आप भी इसको डिवाइड कर देख लीजिएगा इतना ही आपका सर आएगा। ओके अगर यहां पर आप बात करें दोस्तों तो इस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये जो आप फॉलो करेंगे इन सभी स्टेप को तो थेवेनिन के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान इतना ही देना है इन सभी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप जो मैं स्टेप आपको बताया हूं अगर एक एक स्टेप वाइज आप इस टाइप के थेवेनिन से रिलेटेड 4 से 5 न्यूमेरिकल आप या 2 से 3 न्यूमेरिकल अच्छे से आप समझ के लगा लेते हैं तो आप किसी भी न्यूमेरिकल्स के थेवेनिन से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन प्लीज इसी प्रकार से आपको फॉलो करना है, जैसे हमने यहां पर लोड रेजिस्टेंस कैसे हटाना है, क्या कैसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना है, एक एक स्टेप को मैं आपसे फिर से कहता हूं 2 से 3 4 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको सभी यहां पर दिमाग में सेटअप हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें इसको लगाएं, फिर आपके लिए नॉर्टन सुपरपोजिशन सभी आ रहे हैं, आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो करिए ही दोस्तों को शेयर करके, अगर चैनल पर पहली बार है तो विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। हाँ दोस्त एक बात और कहना चाह रहे थे, इससे पहले आपको बताना चाहेंगे इसका जो आपका है वो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, आप जाकर उन सभी को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस चीज़ को बताने को भूल रहा था दोस्तों, तो आपको फिर से कहना चाहो, मैंने पहले ही बताया लेकिन फिर से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन सभी को जाइए देखिए, तभी आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी के साथ समझ में, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद।